नमस्कार, मैं हूँ सीमा संजय और आप देख रहे हैं मेरे साथ जिले के सबसे तेजी से बढ़ता वेब चैनल जांजगीर एक्सप्रेस 07। आज हम आपको लेके चलते हैं अंचल की ताजेतरीन खबरों की ओर। खबर देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे खबरों को जल्द से जल्द देख सकें। ग्राम पंचायत धमनी में सरपंच सचिव द्वारा मकान टैक्स के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला उजागर हुआ। जयपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत धमनी में पक्का मकान के संबंध में सरपंच सचिव द्वारा ग्रामीणों से मनमानी ढंग से वसूली महिला समूह के द्वारा करवाया जा रहा है और नहीं देने पर राशन कार्ड पेंशन कार्ड देने की धमकी भी दी जा रही है। यह शिकायत ग्रामीणों ने जनपद CEO जयपुर को किए हैं, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग गरीब परिवार के हैं और हम लोगों से एक ही घर में कई लोगों से 400-500 रुपए मांग कर रहे हैं, जिसे हम देने में असमर्थ हैं। शिकायत करने वाले ग्रामीणों में धुराई बाई महंत, इलावती खटर्जी, रमनौतिन प्रेम बाई खुटे, धर्मिन बाई आदि महिलाओं ने सरपंच सचिव के गलत वसूली पर शासन उचित कार्रवाई करे, यह ग्रामीणों ने मांग की है। जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज हसौस से भूपेंद्र लहरे की खास रिपोर्ट। के नाम से सरपंच सचिव द्वारा महिला को निर्देशित कर वसूली किया जा रहा है। एक घर में एक परिवार में चार व्यक्ति का लिस्ट मिलान डाल के सचिव सरपंच द्वारा अवैध वसूली किसी से 400-500 किसी से 600 ऐसा करके एक घर से 1500-1200 लिया जा रहा है और विरोध करने पर राशन कार्ड दूंगा पेंशन कार्ड दूंगा करके धमकी दिया जा रहा है महिला समूह द्वारा और यहाँ ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। तो इसके बारे में मैं जनपद पंचायत सीओ के साथ जब इसका शिकायत किया हूँ तो मेरे समक्ष में ही सचिव को वहाँ मना किया है कि अभी घर के तो सेल टैक्स मांगा थे और सरकार तो घर दे थे और सरकार टैक्स मांगा थे और हम तो गरीब आदमी है, जब कमात हन तब खात हन और 400-600 कहाँ के ला पाबो। अब महिला कमांडो भेजे रही से महिला समिति ला भेजे रही से नहीं दे इनका देवा सरपंच सचिव। हाँ तो ये पैसा का लिए मांगा थे का घर टैक्स के लिए घर टैक्स। हाँ सेल टैक्स मांगा थे और नहीं दे मां और नहीं देवो तो राशन कार्ड ला काट दी हाँ और का कथी पेंशन ला काट दी हाँ का के कहत हाँ धमकी समकी देख सरपंच सचिव। हाँ